श्री वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन ओहो वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन ओहो वृंदावन की शोभा देखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे सिरात वृंदावन जय वृंदावन वृंदावन जय वृंदावन ओह कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गात वृंदावन जय मंदिर राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात महाप्रलय नहीं जात ओ ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहू नाय न सात पनि पर रवितर नहीं विराट महा पनि पर रवितर नहीं विराट नहीं संध्या नहीं प्रात नहीं संध्या नहीं प्रात ओ माया काल रहित नित नूतन माया काल पदकमलम् श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजात सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री शाखान्विता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे भजनिताय गौर
राधे श्याम जप हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम हरि नाम कहो हरि प्राण कहो मन मेरे मिट जाए सकल दुख तेरे
व्याकुल होए प्रभु को पुकारो, व्याकुल होए प्रभु को पुकारो। प्रभु ज्यों ही सुने, प्रभु ज्यों ही सुने, प्रभु ज्यों ही सुने, सकल दुख तेरे। हरि नाम कहो, हरि पान कहो, मन मेरे मीट जाए सकल दुख तेरे। सकल दुख तेरे। हरि नाम कहो, हरि प्राण कहो, मन मेरे मीट जाए सकल दुख तेरे। प्रभु योग क्षेम सब धारे, प्रभु योग क्षेम सब धारे, प्रभु योग क्षेम सब धारे, प्रभु योग क्षेम सब धारे। आश्रित को आय संभारे, आश्रित को आय संभारे, आश्रित को आय संभारे, आश्रित को आय संभारे। आश्रय रहो, आश्रय में रहो, आश्रय
आश्रय में रहो, आश्रय में रहो, अपनो मार्ग गहो, अपनो मार्ग गहो, अपनो मार्ग गहो, अपनो मार्ग गहो, ध्यान धरे रे, मीट जाए सकल दो
सेवा युगल की अपने मन को समझाऊं
समझ पड़े, कबहू समझ पड़े, कबहू समझ पड़े, कबहू समझ पड़े, जो कहूँ सो करे, जो कहूँ सो करे, जो कहूँ सो करे, जो कहूँ सो करे, तू बात बने रे, बने रे, बात बने रे, मीट जाए सकल दुख तेरे, मीट जाए सकल दुख तेरे, हरि नाम कहो, हरि नाम कहो, हरि प्राण कहो, प्राण कहो, मान मेरे, मान मेरे, मिट जाए सकल दुख तेरे, 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 राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना दे, मोहे ऐसी विरह वेदना, ममता मिटा दे, मैं हूँ तेरी यही भावना 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 दे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे 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 मोपे करुणा राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे चरणों की सेवा दिला दे अपने चरणों की सेवा दिला दे अपने चरणों की सेवा दिला दे अपने चरणों की सेवा दिला दे नाम सेवा में मेरा लिखा दे नाम सेवा में मेरा लिखा दे नाम सेवा में मेरा लिखा दे चरणों की सेवा दिला दे अपने चरणों की सेवा दिला दे अपने चरणों की सेवा जो ना दे अपने चरणों की सेवा जो ना दे अपने भक्तों की सेवा दिला दे अपने भक्तों की सेवा दिला दे अपने प्यारों की सेवा दिला दे अपने प्यारों की सेवा सेवा की लाल शाही बढ़ा दे 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 राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे श्री वृंदावन धाम दर्शा दे 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 ये माया का पर्दा हटा दे पर्दा हटा दे ये माया का पर्दा हटा दे एक बार तो झलक दिखा दे एक बार तो झलक दिखा दे एक
दिखा दे, एक बार तो झलक दिखा दे, वृंदावन ही दर्शा दे, वृंदावन ही दर्शा दे, आंखों के सामने प्रगटा दे, आंखों के सामने प्रगटा दे, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे चस का नाम रस का लगा दे 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 यूं लगा दे जो ना फिर दगा दे यूं लगा दे जो ना फिर दगा दे यूं लगा दे जो ना फिर दगा दे रसना नाम रस में पगा दे रसना नाम रस में पगा दे यूं पगा दे जो ना फिर दगा 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 दे एक मुरली की तान सुना सुना दे मुरली की तान सुना दे चरणों की दासी बना 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 दे मुझ पे करुणा करो श्री राधे 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 राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे राधे गोविंद 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 गोविंद राधे मीट जाए सकल दूर
गौरदास गुण गा अपने मन को समझाऊं अपने मन को कब मन चीत परे कब मन चीत परे जो कहूँ सो करे जो कहूँ सो करे तू बात बने रे बात बने प्रभु की अकारण करुणा के फल स्वरूप परम प्रेमी हमारे बहुत प्रिय श्री सुमन ठाकुर जी के निवास स्थान पर पुनः कुछ देर बैठकर सत्संग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो क्षण भगवान की स्मृति में बीते हैं वही सार्थक हैं। जिस जगह बैठकर प्रभु को स्मरण किया जा रहा है, प्रभु का नाम पुकारा जा रहा है, वही स्थान पवित्र है। अपने मन को यही समझाया जा रहा है कि हे मेरे मन, तुझको जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो उसी उद्देश्य की पूर्ति में आगे बढ़। ये अवसर तुझको दोबारा कब मिलेगा खबर नहीं है। सारे शास्त्र, सब संत, सब पंथ एक ही बात कह रहे हैं कि 84 लाख योनियां हैं जिनमें लाखों योनि वनस्पति की हैं, पेड़ पौधों की हैं, जलचर जीवों की हैं, थलचर जीवों की हैं, नभचर उड़ने वाले जीवों की हैं,
पर उस किसी भी योनि में अपना उद्धार करने का अवसर जीव को प्राप्त नहीं होता। उन लाखों योनियों में एकमात्र ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जिस शरीर में आके ये जीवात्मा अपना कल्याण कर सकती है। तो हे मेरे मन, तू इस शरीर को व्यर्थ मत कर देना। बाकी शरीर से जुड़े हुए जो भी काम है, घर का, परिवार का, व्यापार का, संसार का, रिश्तेदारी का, वो सब काम इस शरीर के निर्वाह के लिए हैं। जैसे मोटर गाड़ी हर किसी के पास है, तो उस गाड़ी को साफ रखना, उस गाड़ी की समय पे सर्विस कराना, उस गाड़ी में पेट्रोल भराना, पहिए दुरुस्त रहे, हवा भरी रहे, ये सब गाड़ी को ठीक रखने के लिए है। हर व्यक्ति ये करता है, लेकिन कोई गाड़ी को चलाए ही ना, साफ ही करता रहे, अच्छी से अच्छी सर्विस कराए, पेट्रोल भराए, सब कुछ करे, सजाए, पर चलाए ना, तो उस गाड़ी की सार्थकता नहीं है। ये शरीर एक गाड़ी है, इसको स्वस्थ रखना, सुंदर रखना अच्छी बात है, पर ये गाड़ी केवल दरवाजे पे खड़ी रखने के लिए नहीं है। इसमें बैठ के वृंदावन जाना था, भगवान के धाम जाना था, वही काम रह गया, तो इस गाड़ी की कोई सफलता नहीं है। फिर ऐसे ही इस शरीर की सफलता भगवत भक्ति में ही है, भगवान की शरणागति में ही है। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, कितनी माओं की नालियों में गिरता है, कितनी बार जन्म लेता है, कितनी बार मरता है, फिर उसको ये मनुष्य शरीर मिलता है। श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि माँ के गर्भ में जीव उल्टा लटका रहता है, पैर तो उसके ऊपर होते हैं, सिर उसका नीचे होता है, वहीं पर मल की थैली, वहीं पर मूत्र की थैली, माँ के पेट की गर्मी, माँ के पेट के कीड़े उस बच्चे को काटते हैं। उस गर्भ को तो सब शास्त्रों में नरक जैसा कहा गया है, नरक के जैसे दुख को बालक माँ के पेट में सहता है। जब 7वें महीने का गर्भ होता है, तो भागवत जी में लिखा है कि भगवान उसको पूर्व जन्मों की स्मृति कराते हैं। तब उसको याद आता है कि मैं पिछले जन्म में ये था, उससे पहले ये था, उससे पहले ये था, ये मेरे से अपराध हुए, अब मुझको ये मनुष्य शरीर मिला है। तब वो दुख पाता है जीव, जब 7 महीने का गर्भ होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी इस गर्भ से बाहर निकाल दो प्रभु। भगवान कहते हैं, क्या करेगा बाहर आके, फिर मुझे भूल जाएगा, शरीर और संसार को ही सत्य मानेगा। तब वो जीव रोता है, प्रभु को कहता है, प्रभु अब गलती नहीं करूंगा, मुझे इस बार निकाल दो, मेरा उद्धार कर दो, अब ये मेरा आखिरी जन्म होगा, मैं भजन करके भवसागर से पार हो जाऊंगा, अब आवागमन के चक्र में नहीं पड़ूंगा, अब किसी माँ के गर्भ में नहीं आऊंगा, मुझे पार कर दो। भगवान दया करते हैं, 9वें-10वें महीने में जन्म होता है, लेकिन जन्म लेते ही बच्चा रोता है। बोले क्यों रोता है? बालक देखता है कि जिसका बोध मुझे माँ के गर्भ में हुआ था, वो अब बाहर नहीं दिखलाई पड़ता।
बच्चा रोता है, घर के लोग खुशी मनाते हैं। कोई कहता है मेरे घर पोते का जन्म हुआ है, कोई कहता है देवता हुआ है, कोई कहता है बेटा हुआ है, कोई कहता है भाई है, मेरा भांजा है, मेरा भतीजा है। सब अपना अपना संबंध उस जीव पर लादते हैं, पर वो जीव कहता है यहां सब मुझसे कहते हैं तू मेरा है, तू मेरा है, मैं किसका हूं। ये झगड़ा तुम चुका दोगे तो क्या होगा, दशा मुझ दीन की भगवन बना दोगे तो क्या होगा। तब सब ये तो कहते हैं ये हमारा है, ये हमारा है, पर कोई ये नहीं कहता कि ये भगवान का अंश है, ये भगवान की प्राप्ति के लिए आया है, ये भगवान का ही जीव है, ऐसा कोई नहीं कहता। जब तक बच्चा अबोध होता है, देखिए छोटे बच्चे कितने पावन होते हैं, उनकी आंखें कितनी पवित्र होती हैं, उनकी आंखों में मैल नहीं होता, कपट नहीं होता, धोखा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे जिस परिवार में जन्म होता है, जिस परिवेश में जन्म होता है, वहां का रंग चढ़ने लग जाता है। प्रभु की कोई बात नहीं बताई जाती, ये नहीं बताया जाता कि ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए मिला था, संसार की ही बातें समझाई जाती हैं। फिर पढ़ने लिखने को जाते हैं तो वहां से हवा लगती है और धीरे 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 फिर ऐसा माया चक्र होता है कि भूल जाता है। फिर कोई भजन भक्ति की बात भी करे तो उसको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, भगवान को किसने देखा, मैं क्यों मानूं, ये सब तो ऐसे बनाई गई बातें हैं, ये सब झूठ है। वो भगवान को ही नकारने लगता है, भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। जो इस सारी सृष्टि को चला रहे हैं, हमारे भीतर जो चेतना बन के बैठे हैं, इन पेड़ पौधों के भीतर जो हैं, जिसकी आज्ञा से शक्ति से सूर्य उदय हो रहे हैं समय पे, सूर्यास्त हो रहे हैं, जिनकी सामर्थ्य से चंद्रमा उदय हो रहा है, चंद्रमा अस्त हो रहा है, तारे निकले हैं, गंगा यमुना नदियां बह रही हैं, हवा चल रही है, ये पूरी सृष्टि जिसकी कायनात है, जिसका कर्म है, उस प्रभु की सत्ता जीव नहीं स्वीकार करता। और कोई संत महात्मा आके कहें कि भैया बच्चा अभी छोटा है, जैसे रंग में ढालोगे उसी रंग में ढल जाएगा, जैसे पढ़ने लिखने के लिए हट करते हो और बातों के लिए जिद करते हो, ऐसे छोटे बच्चे को कुछ नियम बनवाओ, उस बालक को कहो प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ तो करे, सूर्य भगवान को जल तो दे, माँ बाप के बड़ों के पैर तो छुए, भगवान को प्रणाम करके तो जाए, एक माला तो करे। लेकिन माँ बाप कहते हैं नहीं भाई, ये तो बच्चों की खाने खेलने की उम्र है, ये सब थोड़ो बताया जाएगा, और सब चीजों के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं। पर कोई बिरला माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को इस शरीर का जो महत्व है वो बताता हो। धीरे धीरे फिर बड़े होते जाते हैं, फिर तो खूब रंग चढ़ जाता है, फिर कहाँ माँ बाप की बात मानेंगे। और बड़े हो गए, फिर कोई महात्मा कहे तो कहेंगे महाराज अब पढ़ाई लिखाई करनी है, अपना कैरियर बनाना है, अब भगवान को याद करें कि अपने जीवन के बारे में सोचें। अरे किसने मना किया कैरियर बनाने को भाई, पर ये जीवन जिस जीवन दाता ने दिया है उसको एक बार याद तो कर ले। लेकिन नहीं, और उम्र बढ़ती है, अब भाई थोड़ा भजन कर लो, अब तो ब्याह शादी के विषय में सोचना है, गृहस्थ आश्रम में जाना है, चलो ठीक है गृहस्थ हो गए अब भजन कर लो, अब संतान का जन्म हो गया भाई, अब तो कुछ नियम बनाओ, अपने जीवन की सार्थकता करो। बोले अब तो बालकों को पालना है, उनको बड़ा करना है, अब बालक भी पल गए, वो स्कूल जाने लगे, अब उनकी चिंता है, वो उनको किस लाइन में डालना है,
अब बच्चे भी बड़े हो गए, नौकरियां भी लग गई, अब उनकी शादी की चिंता है, अब भजन कर लो। बोले बस बच्चों की शादी हो जाए, बच्चों की शादियां भी हो गई, भैया आप भजन कर लो। बोले अब बस बेटे के घर बेटा हो जाए और बेटी के घर बेटा हो जाए, तब भजन कर लेंगे। चलो अब पोता भी हो गए, देवती देवता भी हो गए, अब कर लो। बोले अब कैसे करें, बहू नौकरी को चली जाती है, बच्चे हमारी गोद में छोड़ जाती है, सवेरे से शाम तक उनकी सेवा में लगे रहते हैं, भजन नहीं होता। अब जब ये पोता पोती बड़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अब पोता पोती भी बड़े हो गए, अब भजन कर लो। बोले अब होता ही नहीं, अब तो दवा चाहिए, बाम चाहिए, मलम चाहिए, अब तो कहीं जा भी नहीं सकते, कानों से कम सुनाई पड़ता है, आंखों से दिखता कम है, पैरों से चला नहीं जाता, मोहताज हो गए। अब कोई छोड़ आएगा तो चले जाएंगे, बाकी अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। और अब चाहते हैं कि भजन हो। अरे भैया सारी जिंदगी सारी ताकत तो संसार को दे दी, और जब किसी काम की नहीं रहे, अब भगवान की शरण में जाने को चाहते हैं, कैसे होगा। सरकार भी नौकरी क्या किसी को 60 साल की उम्र में देती है? अरे 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में नौकरी देगी, 60 साल से पहले तो गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती, अब जाके आराम करो, किसी काम के नहीं रहे। लेकिन जब किसी काम के नहीं रहते तब भगवान को याद करने की सोचते हैं, पर तब भी याद नहीं होता, क्योंकि जो जीवन भर का अभ्यास है वही अंतिम समय जीव को होता है। और फिर धीरे 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 ये शरीर क्षीण हो जाता है, भगवान की स्मृति नहीं हो पाती, भजन नहीं हो पाता, इस भव सागर को पार नहीं कर पाते, एक दिन अंतिम समय आ जाता है। सारा जीवन सारी सामर्थ्य जिस परिवार संसार को ही ठीक करने में निकाल दी थी, एक झटके में वो परिवार संसार छूट जाता है। जिस घर में रहते, जिन बच्चों के बीच रहते, 50 साल बीत गए थे, शरीर छूटने के बाद वो 2-4 दिन भी नहीं रखते, जल्दी करते हैं सब लोग, निकालो निकालो बाहर निकालो, गाड़ी में बिठा के शमशान ले जाते हैं। जैसे वो शरीर घर से बाहर जाता है, लोग घर को धोते हैं, जिसका शरीर छूट जाता है घर को सूतक लग गया, कोई घंटा भर रोता है, कोई 2 घंटा रोता है, कोई 1 दिन रोता है, कोई 2 दिन रोता है, फिर सब भूल जाते हैं, सब अपने खाने में पीने में दुनिया में मस्त हो जाते हैं। जाने वाला खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है। जिस काम के लिए ये देह मिली थी वो नहीं कर पाता, फिर 84 लाख योनि के चक्कर में पड़ता है, जाने कहां कहां जन्म होते हैं, कितनी कितनी माओं के गर्भ में कहां कहां दुख पाता है, फिर कभी मौका मिलता है फिर वही भूल होती है। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनंत बार जीव के साथ हो चुका है। समस्त शास्त्र समस्त ग्रंथ समस्त पंथ इसी बात का बोध करा रहे हैं, हे मेरे मन राधा गोविंद ही तेरे हैं, उनसे अधिक तेरा अपना कोई नहीं है, वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। संसार का प्यार तो शरीर को लेके है, पैसे को लेके है, एकमात्र हरि गुरु का प्रेम ही निस्वार्थ है। वो राधा गोविंद हमको बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि हम सब उनके अंश हैं। जैसे दुनिया में माँ बाप को अपनी संतान प्यारी होती है, जबकि शरीर से ही जन्म हुआ है, तो हम सब तो भगवान के अमृत पुत्र हैं, परमात्मा सबके पिता हैं, जितनी आत्मा है वो उस परमात्मा की ही अंश हैं, हम उन्हीं के हैं, वे हमको चाहते हैं। पर उस सच्चे संबंध को भुला के, उस सच्चे प्रियतम को भुला के इसी उहापोह में जीवन समाप्त हो जाता है। अपने उद्धार के लिए प्राणी कुछ नहीं कर पाता, एक दिन आंख बंद हो जाती है।
तो यही चेत अपने मन को दिया जा रहा है, हे मेरे मन तुम बोध करो और शीघ्र से शीघ्र अपना कल्याण कर लो, क्योंकि यही नहीं पता, अभी लगता है कि हम लोग बहुत स्वस्थ हैं, ठीक है सब कुछ, पर खबर नहीं भैया, ये शरीर कह के नहीं छूटता, कौन दिन अंतिम दिन हो जाएगा, कौन दिन अंतिम सूर्योदय होगा, खबर नहीं है, अवसर नहीं मिलेगा। संसार में सिकंदर का नाम सबने सुना होगा, बड़ी प्रसिद्ध घटना है, जिस सिकंदर ने सारी दुनिया को जीत लिया, दुनिया में कहावत बन गई मुकद्दर का सिकंदर, जिसने जिंदगी में कहीं मात ही न खाई हो, जहां हाथ डाला हो मिट्टी में हाथ डाला हो सोना बन गया हो, ऐसा दुनिया पर विजय करने वाला। पर जब वो सिकंदर भी मरने लगा, हकीमों ने कह दिया कि अब किसी तरीके से आपको नहीं बचाया जा सकता। सिकंदर ने हकीमों को कहा, चिंता मत करो पैसे की, लाखों रुपए की दवाई हो तो दो, मुझे बचाओ। हकीमों ने कह दिया, अब लाख करोड़ से कुछ नहीं होगा महाराज, अब तो नहीं शरीर रह पाएगा। उन्हें कहा, सिकंदर नहीं मर सकता। बोले, महाराज सभी को मरना पड़ता है यहाँ तो। बोले, मैं तुमको आधा हिंदुस्तान दे दूंगा, मुझे बचा लो। बोले, नहीं बचा पाएंगे। आखिर में कहा, सब कुछ दे दूंगा, भिखारी बन जाऊंगा, जिंदगी में जो जीता जो कमाया सब दे दूंगा तुम्हें, मुझे थोड़ी देर की जिंदगी दे दो। लेकिन जितनी भी उसकी बेगम थी, बच्चे थे, हकीम थे, मंत्री थे, सबने कहा, महाराज जिंदगी तो नहीं दे सकते, पर आप चाहते क्यों? जिंदगी तो आपने बहुत जी और बहुत कुछ किया जिंदगी में, क्यों चाहते हो? सिकंदर ने कहा, मैंने सब कुछ किया जिंदगी में, लेकिन मैं उस मालिक की इबादत नहीं कर पाया, उस मालिक को नहीं मना पाया, तो इसलिए कुछ समय की जिंदगी और चाहिए। बोले, महाराज अब नहीं मिलेगी आपको जिंदगी, इतना बड़ा जीवन आपको मिला, उस मालिक के लिए आप समय नहीं निकाल पाए, अब नहीं होगा कुछ। तो फिर तब सिकंदर ने कहा, तो ठीक है, एक काम करो, जब मेरे प्राण निकल जाएं और मुझको ले जाओ तुम समाप्त करने के लिए, तो जनाजे से मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल दें। क्यों निकाल दें? ताकि लोग देख सकें कि सिकंदर जैसे लोग भी दुनिया में आते हैं तो खाली हाथ ही जाते हैं, कुछ भी लेके नहीं जा पाते। समाप्त हो गया, खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही चला गया। ऐसे कितने पता नहीं वृतांत हैं। इस जीवन की सार्थकता भगवत शरणागति में ही है, भगवत भजन में ही है। जैसे हर चीज की प्लानिंग बनाते हैं, धन की प्लानिंग करते हैं, परिवार की प्लानिंग करते हैं, व्यापार की करते हैं, अरे कहीं छोटी सी यात्रा करनी हो तो ऐसे करेंगे, फिर वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हर चीज की प्लानिंग बनाते हैं, ऐसे साधक को भजन की भी प्लानिंग करनी होती है, अपने जीवन की भी प्लानिंग करनी होती, प्रत्येक दिन की प्लानिंग करनी होती है। किसी काम को नहीं मना किया जा रहा, सब करिए, पर जीवा से नाम नहीं छूटे, हृदय के भीतर ये भरोसा नहीं छूटे कि मैं प्रभु का हूं, ये परिवार मुझे सेवा करने के लिए मिला है, इन सब के मैंने कर्जे ले रखे हैं, सास का कर्जा, ससुर का कर्जा, पति का कर्जा, पत्नी का कर्जा, बच्चों के कर्जे, जिसका जो कर्जा है ईमानदारी से उतारूंगा, लेकिन मैं किसी से कुछ चाहूंगा नहीं, मैं कहीं अटकूंगा नहीं, हाँ जिसके प्रति जो जिम्मेवारी है मैं पूरी करता रहूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा केवल श्री कृष्ण को, जन्म जन्म से वही मेरे साथी हैं, मैं उनका नाम स्मरण करते हुए, उनसे प्रेम करते हुए शरीर संसार के काम करूंगा
और अंततः उन्हीं गोविंद के चरण कमलों में अपने प्राणों को समर्पित कर दूंगा। मेरे जीवन में काल आए उससे पहले गोपाल आ जाए, काल मुझे नहीं छू पाए, मैं अपने जीवन को प्राणों को राधा गोविंद के चरणों में, गोपाल के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ये रहनी एक वैष्णव की होती है, एक हरिभक्त की होती है। तो इस कीर्तन के माध्यम से अपने मन को यही समझाया जा रहा था। हम सब दूसरे को समझाने में बहुत कुशल हैं, पर अपने को नहीं समझा पाते। हम भी ये कीर्तन कर रहे हैं तो अपने को ही समझा रहे हैं, अपने को ही समझाना है। हाँ, अपने को समझाते समझाते और आसपास भाई बहन भी कोई बात समझें तो बड़ी अच्छी बात है। तो सब लोग खूब भजन करिए, एकादशी व्रत का पालन करिए। एकादशी महाव्रत है, भगवान से मिलाने वाली है, जीव के कर्म बंधन को क्षय करने वाली है। सब एकादशी व्रत करिए, जो भी घर में बनाइए वो प्रभु को भोग लगा करके पाइए। चूंकि हम मालिक नहीं है, हम तो नौकर हैं, घर के मालिक तो मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मुझे तो रहने को दिया है, मैं तो नौकर हूँ। रसोई के मालिक भी ठाकुर जी हैं, जो बनाइए। पर प्याज लहसुन का भोग नहीं लगेगा, प्याज लहसुन के बिना जो सामग्री बनाइए प्रभु को तुलसी छोड़ के भोग लगाइए, प्रसाद करिए, एकादशी व्रत का पालन करिए और नाम जप करिए। गुरु ने जो नाम बताया हो उसको खूब प्रेम पूर्वक जपिए। प्रभु के सारे नामों में एक सी सामर्थ है और हमारे महाप्रभु जी तो इस सारे जगत के लिए महामंत्र की आज्ञा करते हैं। और सब मंत्र हैं पर हरे कृष्ण महामंत्र है। तो समस्त भक्तजन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना प्रारंभ करें। धीरे धीरे, एकदम नहीं होता, एक एक माला, दो दो माला, चार चार माला, धीरे धीरे 16 माला तक अवश्य पहुंचें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र इस कलयुग में जीव को पार करने की सबसे बड़ी औषधि है। ये नाम भगवान जीव के सब अपराधों को क्षमा करके भगवान की गोद में बिठाने की सामर्थ्य रखते हैं। स्वयं राधा कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में अवतरित होके संसार को इसी महामंत्र का उपदेश दिए हैं। तो हम सब श्री महामंत्र का आश्रय लें, खूब जप करें, राधा गोविंद से प्रेम करें, यही इस जीवन की सार्थकता है। हमारे सुमन ठाकुर जी का ये बहुत सुंदर संकल्प रहता है, जब भी इधर आना होता है, लुधियाना में कथा होती है तो आपका भैया पे फोन पहुंच जाता है कि महाराज जी पधारें और सत्संग भी हो, तो बहुत अच्छा। जो क्षण गोविंद की याद में बीत गए भैया वही सार्थक हैं, बाकी ये खाना कमाना ये पशु लोग हमसे बेहतर कर रहे हैं। हम लोग को तो घर चाहिए, भोजन तरह तरह के पका के चाहिए, वो लोग प्राकृतिक आहार ग्रहण करते हैं। हम लोग इतना शरीर को संभालते हैं तो भी बीमार पड़ जाते हैं। इस सड़क के आवारा पशु कभी बीमार नहीं पड़ते, ये चिड़िया पंछी उड़ रहे कभी बीमार नहीं पड़ते, इन्हें कोरोना भी नहीं हुआ, सारी दुनिया को हुआ, ये पशु पक्षियों को नहीं हुआ, इन्हें किसी ने वैक्सीन नहीं लगाई, ये स्वस्थ है। ये हमसे ज्यादा बेहतर खा रहे हैं, ज्यादा बेहतर रह रहे हैं, ज्यादा अच्छा अपनी संतान को सिखा रहे हैं। अगर यही सब हम किए तो हम पशु से बेहतर नहीं है फिर। पर ये जीवन तो गोविंद को पाने के लिए मिला है। बस यही कहते हुए अपनी वाणी को विश्राम करेंगे। आप सबके लिए बड़ी बड़ी शुभकामना, आप सबका मंगल हो, सब प्रसन्न हो, दीर्घायु हो। सुमन ठाकुर जी के लिए, बहन जी के लिए, माता जी के लिए, सबके लिए राधा गोविंद के चरणों में, महाप्रभु के चरणों में बड़ी बड़ी मंगल कामना करते हैं। आप सबका कल्याण हो। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री गुरु प्रेमानंदे गौर हरि। वृंदावन जय वृंदावन।
मंदिर महाप्रलय नहीं जात, महाप्रलय नहीं जात। ओ ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित। कबहूं नायन सात वृंदावन जय तर नहीं विराट महा, पर रवि तर नहीं विराट महा। नहीं संध्या नहीं प्रात, नहीं संध्या नहीं प्रात। ओ माया काल रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन। सदा फूल फल पात वृंद सगुण ब्रह्म ते न्यारो, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो। विहरत सदा सुहात, विहरत सदा सुहात। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति। व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति। निगम अगोचर बात वृंदावन जय वृंदावन, वृंदावन जय वृंदावन। ओहो वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा देखत। मेरे नैन सिरा प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गोरदास जी महाराज जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्ट प्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग होल एवं
भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।